मनाएगा अपना बर्थडे। एक्सक्यूज मी, ये कितने का है? ये 250 रुपए का है। ठीक है, ये दे दीजिए प्लीज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर आइएगा। अब वो बिल्ली रेमन शॉप ओनर के साथ ही रहती है शिजुका। अरे वो जो देखने में बिल्कुल डोरेमोन जैसी थी, है ना? फिर तो अच्छा हुआ। हाँ, तुमने सही कहा। शिजुका, रुक जाओ। क्या तुम भूल गए कि आज कौन सा दिन है? हाँ सुनियो, आज तो 15 जून है ना। 15 जून है तो क्या हुआ सुनियो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग भूल गए हो, आज जियान का बर्थडे है। जियान का बर्थडे? हाँ, हम कैसे भूल सकते हैं जियान का बर्थडे। जियान के बर्थडे से याद आया कि अगर उसे तुम्हारा प्रेजेंट पसंद नहीं आया तो वो तुम्हें मारेगा। वो अकेले ही सारा केक खा जाता है। और हाँ, वो जबरदस्ती हमें अपना गाना भी सुनाएगा। पिछले साल तो मैंने उससे झूठ बोल दिया था कि मुझे बहुत तेज बुखार है, मैं नहीं आ पाऊंगा। और मैंने भी अपनी मॉम के साथ अपनी आंटी के घर जाने का बहाना बनाया था। मुझे याद है, मैंने उसे कहा था कि मेरे दोस्त के दोस्त का डॉगी हॉस्पिटल में है। हे डोरेमोन, क्या तुम्हें पता है मैं अभी क्या सोच रहा हूँ? तुम बताओ मुझे कैसा लगेगा अगर जिससे मैं मिलने आया हूँ वो है ही नहीं। हाँ, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। मेरी बात मानोगे प्लीज? क्या तुम मुझे कोई ऐसा गैजेट दे सकते हो जिससे ऐसा ना हो? अच्छा ठीक है, मैं देता हूँ। इस गैजेट से चलते हुए लोग रुक जाते हैं। शुक्रिया डोरेमोन। डोरेमोन जल्दी बैम्बू कॉप्टर दो। नहीं नहीं, एनीवेयर डोर दो। नहीं डोरेमोन, टाइम मशीन निकालो, जल्दी करो डोरेमोन, वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये नहीं हो सकता। डोरेमोन, हमें जल्दी करनी होगी। तुम दोनों ये नहीं खाओगे क्या? सुनिए मॉम, अभी स्नैक्स खाने का टाइम नहीं है, इस वक्त हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। जल्दी करो। ये क्या हो रहा है? मेरी टांगें नहीं चल रही है। लगता है जियान मेरे गैजेट को यूज कर रहा है। तुमने उसे क्यों दिया? मुझे ये सब पहले नहीं पता था। अब डोरेमोन और नोबिता कहीं नहीं जा सकते। जियान, तुम लोग इतनी जल्दी में कहाँ भाग रहे थे? कहीं नहीं जियान, तुमसे मिलने आ रहे थे। तुम लोग मेरी बर्थडे पार्टी में ही आ रहे थे ना? क्या? बिल्कुल सही। हाँ हाँ जियान। अच्छा है। तुम्हारे दोस्त यहाँ तुम्हारे जन्मदिन के लिए आए हैं जियान? दरअसल मॉम, मैं तो और भी बहुत सारे दोस्त लाने वाला था, लेकिन पता नहीं बाकी सारे दोस्त कहाँ चले गए। डर के मारे वो छुप गए होंगे। अरे मैं मजाक कर रहा था। मैंने कुछ खास बनाया तो नहीं है, लेकिन तुम सब अंदर आओ। हाँ आ जाओ आ जाओ। ये है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तुम्हारे लिए है जियान। ठीक है, आज के दिन की खुशी के लिए चीयर्स। आज सच में खुशी का दिन है। सही कहा। हैप्पी बर्थडे। हाँ हैप्पी बर्थडे। अच्छा तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मेरे गिफ्ट भी दे दो। अरे हाँ, तुम्हारा गिफ्ट तो घर पर रह गया, क्या मैं कल दे दूँ? हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ढूंढ रहे थे, लेकिन वक्त नहीं मिल पाया जियान, इसलिए ये लो। बाद में देख लेंगे। अरे ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं गिफ्ट का इंतजार करूँगा। लेकिन ठीक है, बर्थडे पर केक तो काटते ही है। आप टेस्टी है, टेस्टी टेस्टी, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है आज तो मुझे इस पार्टी में। सब लोग खूब शोर मचाओ, ठीक है? ठीक है, अब मैं आप सब लोगों का मनोरंजन करूंगा गाना गाकर। मेरा बर्थडे है आज, मैं गा रहा हूँ आप लोगों। लोग हो जाते हैं मदहोश, मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया। तुमने हैरान कर दिया। तुम लोग ये बातें दिल से नहीं बोल रहे।
अरे नहीं, हम दिल से बोल रहे हैं जी। हाँ, हमें बहुत मजा आया। हाँ बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, मैं जानता हूँ, दरअसल तुम लोग ऐसा करना नहीं चाहते हो, है ना? हाँ, कैसा? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई काम जबरदस्ती किया जाए। निकलो यहाँ से। शांत हो जाओ, तुम सब बहुत शोर मचा रहे हो, समझे? पार्टी खत्म हो गई तुम्हारी? हाँ। अच्छा, अब जल्दी से सफाई कर दो, समझे? डोरेमोन, कौन है? इतनी रात को मुझे कौन आवाज दे रहा है? देखता हूँ। डोरेमोन, मुझे नींद नहीं आ रही। तुम्हें नींद नहीं आ रही तो क्या मुझे भी नहीं सोने दोगे? मुझे माफ करना, सुनो, लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते हैं? सब तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि तुम सबसे लड़ाई करते हो, उन्हें परेशान करते हो। हाँ, सही कहा तुमने, मैं भी ये जानता हूँ, लेकिन मैं इसका कर क्या सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कम से कम साल में एक बार तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया ही जाए। देखो जियान, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इसमें फूंक मार देना, तुम्हारा गुस्सा चला जाएगा, समझ गए ना? ठीक है। और देखो, ये है गो बैक टू स्टार्ट, मैं इससे समय को थोड़ा पीछे कर देता हूँ। अब तुम अपने बर्थडे पर अपने गुस्से पर काबू रखना। ठीक है। 7 दिन पीछे। शिजुका, तुमने भी देखा था ना? नोबिता, देखकर नहीं चल सकते हो। सिर्फ मेरे पास ही अम्ब्रेला क्यों नहीं है? क्योंकि तुम अपना लाना भूल गए। बिल्कुल सही कहा, मेरी ही गलती थी, इसलिए मैं भूल गया। ये लो। ठीक है, बस अब गेम खत्म हुआ। अरे जियान, नोबितो, मैं भी आया। कोई बात नहीं नोबिता, तो एकदम बदल गया है ना? हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये हो क्या रहा है? क्या? तुमने पेशेंस बैग को इतना भुला दिया? ये मेरा गुस्सा और भरी नहीं पा रहा है। अगर तुमने इसे और भुलाया तो ये फट भी सकता है जियान। क्या, तो अब मैं क्या करूँ? तुम्हें खुद अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाए? बोलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, जियान कितना बदल गया है ना शिजुका? हाँ नोबिता, इतना बड़ा चेंज, वो भी जियान में, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सही कहा। थोड़ा सा सब्र करो, तुम चाहते हो ना कि सब लोग तुम्हारे बर्थडे पर पार्टी करें? चाहता हूँ। तो फिर शांत रहो, बस थोड़ी देर और। तुमने ठीक कहा, मैं सब्र करूंगा, करके रहूंगा। अरे वाह, इतना बड़ा गुब्बारा, इसको फोड़ने में मजा आएगा। सुनियो, जियान, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। जियान, जियान, शांत रहना, शांत, अपने गुस्से पर काबू रखना। याद है ना मैंने क्या कहा था?
बस बस अब ज्यादा समय नहीं बचा है, चलो चले। अरे ये क्या हुआ? जियान का क्या होगा, देखिए अगले एपिसोड में। जियान का बर्थडे 15 जून। मेरी बर्थडे पार्टी। अगर तुम झगड़ा करना बंद कर दोगे तो सब तुम्हारी बर्थडे पार्टी पर आएंगे। पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इसमें फूंक मार देना। ये तो बहुत ज्यादा फूल गया। जियान की बर्थडे पार्टी। रुक जाओ, इसमें फूंक मत मारना जियान। मैंने तुमसे कहा था ना, अब तुम्हें इसे खुद ही संभालना पड़ेगा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ मुझे भी सुनियो। मुझे भी सुनियो। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? सुनियो के हिसाब से तो जियान को पार्टी बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा, जियान का बर्ताव अचानक अच्छा कैसे हो गया? कुछ अजीब तो है। कहीं ये समझ तो नहीं गया। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि अगर जियान झगड़ा करता है तो हम उसकी पार्टी कैंसिल कर देंगे? इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसमें हमारा बहुत वक्त बर्बाद होगा नोबिता। ये तो गलत बात है, मुझे कुछ करना होगा। अरे तुम्हें पता है आजकल सब्जियां कितनी महंगी हो गई। जियान कहाँ पर है जैको? वो कमरे में है। चलो अच्छी बात है, मैं वहीं जाकर उससे मिलता हूँ। तुम उदास क्यों हो? ये क्या चीज है? ये भैया के पिछले बर्थडे की फोटो है। अच्छा चलो मैं भी देखता हूँ। पिछले साल कोई भी पार्टी में नहीं आया, उदास होकर भैया सो गए थे, सच कह रही हूँ। अब जब भी उनका बर्थडे आता है वो उदास हो जाते हैं, और इसीलिए इस साल भी वो। एक बात कहूँ जेको, इस बार सब जियान की बर्थडे पार्टी में जरूर आएंगे, देख लेना। क्या सच में डोरेमोन? लेकिन प्लीज प्लीज ये ध्यान रखना कि इस बार उनका बर्थडे अच्छी तरह मनाया जाए। हाँ ठीक है जेको। जियान मैं आ गया, कैसे हो तुम? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूं? तुम ठीक तो हो? अरे ये डेस्क यहाँ पर किसने रखी? मुझे क्या पता। चुप हो जाओ, शोर मचाना बंद करो, मुझे मेरे कमरे में शांति चाहिए। तो आखिर मैं गिर भी गया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। मेरा गुस्सा अब बढ़ रहा है। बस तुम झगड़ा मत करना। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी पार्टी कैंसिल हो जाए? पार्टी? क्या कोई पार्टी होने वाली है? अगर तुम बिल्कुल गुस्सा नहीं करोगे तो सब लोग तुम्हारी पार्टी में आएंगे। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा शुक्रिया डोरेमोन, मैं खुद से और मेहनत करूँगा, देख लेना। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। ठीक है। जियान डोरेमोन से बात कर रहा है, कुछ गड़बड़ है। तो ठीक है, जियान कितना मोटा है, वो कितना भद्दा दिखता है, और तो और वो बेसुरा गाना गाता है। क्या कहा तुमने? जियान पार्टी के बारे में याद है ना? क्या तुम एक बार वहाँ देखना चाहोगे जियान? क्या वहाँ देखकर क्या साबित होगा? वो डॉग बिल्कुल तुम्हारे मुंह को जैसा दिखता है, क्यों है ना? बल्कि वो ज्यादा अच्छा दिखता है। अरे तुम्हें तो मैं। जियान सुनो, मैं जानता हूँ डोरेमोन। जानते हो तो ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये कुछ कर क्यों नहीं रहा? तुम्हारा डॉग जियान से ज्यादा अच्छा दिखता है। जियान शांत हो जाओ। बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुको जियान, हट जाओ। जियान वो बहुत गुस्से में है, मुझे उसे रोकना होगा। हाँ मिल गया, द ट्रिपर। इसमें 10 रुपए डालता हूँ। डोरेमोन
कोशिश करो जियान, रुक जाओ। रास्ते से हटो। नहीं जियान, रुक जाओ। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, रुक जाओ तुम। मुझे लगा मेरे पीछे कोई आ रहा है। बड़ी अजीब बात है। अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखो जियान। शायद खेलने से मुझे थोड़ा बेहतर महसूस होगा। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। रॉक हैट। सामने से हट जाइए। जियान सुनो, मेरी बात तो सुनो। अब तो वो मुझे सुन भी नहीं सकता। रुको रुको। चलो आज का दिन बिना किसी परेशानी के कट गया। ये तो तुमने सही कहा, लेकिन मेरे लिए परेशानी ही परेशानी थी। जियान मुझे कुछ काम है, क्या तुम ग्राउंड में आओगे? अरे ये क्या? ये गड्ढा तुमने खोदा है? नहीं नहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत? नहीं नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी पैंट गंदी हो गई। इसको मजा चखाना होगा। आज के बाद ये ऐसी शरारत फिर कभी नहीं करेगा। जियान मेरे दोस्त। जियान यहाँ आकर मेरी मदद करो। ये तुम सुनियों के साथ क्या कर रहे हो? चुपचाप यहाँ से चले जाओ और अपना काम करो। मैं कहता हूँ उसे जाने दो। देखो तुम हमारे मामले से दूर ही रहो। सॉरी, देखो मुझे नहीं पता उसने क्या किया है, लेकिन जो भी है उसे जाने दो। तुम नहीं मानोगे, रुक जाओ, आज तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो सुनियों के बदले आप मुझे मार लीजिए। हाँ जियान। जियान मेरी मदद करो। आप ये कर सकते हैं भैया। मुझे माफ कर देना सुनियो। बचाओ। ये तो जियान की आवाज है। हाँ जियान की ही आवाज है। देखो वो रहा जियान। जियान मेरी बात सुनो, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम गुस्सा नहीं करोगे, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ दिया। मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। जियान की कोई गलती नहीं है, बल्कि उसने मेरी मदद की है। मुझे बचाने के लिए उसने उन लोगों से लड़ाई की है, खुद पिटाई खाकर उसने मेरी जान बचाई है। वाकई जियान तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। जो कुछ मैंने किया मुझे नहीं करना चाहिए था। दोस्तों हमें जियान की पार्टी खराब नहीं करनी चाहिए, प्लीज पार्टी कैंसिल मत करो दोस्तों। सुनियो जियान। चलो जियान पार्टी करते हैं।
तुम सच कह रहे हो? बता गया, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक हो गया। हैप्पी बर्थडे जियान। तुम्हारा शुक्रिया दोस्तों, आज तक मेरा इससे अच्छा बर्थडे कभी नहीं मना, और अब इसीलिए तुम लोगों को खुश करने के लिए मैं अपना फेवरेट गाना गाऊंगा। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर। शायद अभी ये करना ही नहीं था।